कोटि कैवल्यपति भक्त प्राण वल्लभ कोटि ओडियांकर प्राणनाथ कालिया संत जगन्नाथ महाप्रभु कृपा करुणारु पवित्र कार्तिक मास रे वृंदावन सेवाश्रम रे पवित्र परिसर रे प्रतिवर्ष भलिया आम समस्त को जगन्नाथ महाप्रभु कथामृत श्रवण करिवार सौभाग्य प्राप्त होछ। आज द्वितीय दिवस आज कार्तिक मास पंचक व्रत आरंभ पंचक प्रथम दिन यही लोकमान्यता अच्छी कि पांच दिन बक मध्य आमिष त्याग कर दिए जो माने मास जाक कार्तिक व्रत कर न पारंती ए पांच दिन भी जदि व्रत करते तो पूर्ण गोटे मास व्रतर फल प्राप्त हुए। आज ठारु महाप्रभुंकर विविध बेश आरंभ हुए मास जाक महाप्रभु राई दामोदर बेश होंती राधा दामोदर बेश होंती कारण महाप्रभु को जदि श्रीअंग को देखिबे जदि केबे सर्वांग खोला हेथिबो कौनसी वस्त्र नथिबो श्रीअंगरे महाप्रभु को ऊपर अंगटा कला किंतु तळ अंगटा तप्त कांचन गौरांगी गौरवर्णर तेणु महाप्रभु सदैव राधा दामोदर हेकि थांती। दामोदर होउचंती स्वयं महाप्रभु गोपी जन वल्लभ ब्रजेन्द्र नंदन कलाश्री मुख आउ राई माने श्री राधा रानी ए तो मास जाक राधा दामोदर बेश होंती किंतु महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु को तल अंग राधा गोरा ही थाए आ ऊपर अंग कला स्वयं माधव तो मास जाक प्रतिदिन राधा दामोदर बेश होंती किंतु यही पांच दिन जाक प्रतिदिन नुआ नुआ बेश हेबे सकाळ मंगल आरती बढ़ला परे महाप्रभुंकर जो अवकाश नीति हुए अवकाश माने जो थे महाप्रभु दांत घसीबे मुह धोइबे ए अवकाश नीति बढ़ला परे महाप्रभुंकर लक्ष्मी नारायण बेश पुष्पाळक सेवक माने पालिया पूजा पंडा सेवक माने श्रृंगारी सेवक माने महाप्रभु को लक्ष्मी नारायण बेश करिवे जहाँ को ठिया किया बेश बोली कहा जाए कहीं लक्ष्मी नारायण बेश आज हमें आषाढ़ मास शुक्लपक्ष एकादशी दिन महाप्रभु शयन घरे विजय करती जहाँ को हरि शयन एकादशी बोली कहा जाए आषाढ़ मास रे एकादशी आ दुई मास पूर्वे महाप्रभु को पार्श्व परिवर्तन होता पार्श्व परिवर्तन एकादशी आज जो एकादशी ये महाप्रभुंकर उत्थापन एकादशी हरिशयन एकादशी दिन पौराणिक मत अनुसार भगवान बलि को सुतल लोक को पठाई बामन बेश होते बामन अवतार होते आ बलीर मुंडरे पाद दे कि बलि को पाताल लोक को पठाई आ भगवान बलि को वरदान देते नित्य दष्टामि माम तत्र गदा पाणी अवस्थितम बलि मु प्रतिदिन तते सेठी शंख चक्र गदा धरिकी तो द्वार रे दर्शन देवी आ भगवान स्वयं बलि सहित सुतल लोक को गले तो जब भगवान को न पाइले लक्ष्मी ठाकुराणी व्यस्त ही गले मु प्रभु गले कुआडे चारिआड़े खोजी बोलती प्रभु गले कुआडे प्रभु गले कुआडे नारदों ठार जना पड़ा कि महाप्रभु सुतल लोक तले अच्छा बलि द्वार तो महालक्ष्मी सुतल लोक गले आईदिन श्रावण मास पूर्णिमा राखी पूर्णिमा जहाँ को आम कहू गोटे बढ़िया सुंदर राखी धरिकी बलि पाख को गले महालक्ष्मी बलि को राखी बांधिले रक्षा सूत्र बांधिले एन बद्ध हो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तो बलि राजा प्रसन्न हेले लक्ष्मी भलिया भौणी पाइली आ भौणी तो किसी दवा कथा कहले भौणी माग कौन मागुछु देवी कहले भाई जदि दवा को चाहूचु ये जो कलाश्री मुख को द्वारपाल करके रखीचु तो द्वार छिड़ा करीचु तांको मते दे दे आ तांको बिना वैकुंठ खाली अच्छी शुणी कि बड़ी महाराज मूर्छा होकर पड़गले
ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ୟାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଗଲୁ ଭଉଣୀ, ୟାଙ୍କୁ ଆଗ ମାଗିକି ନେଇଗଲୁ। ତୁ ହଉ, ତୁମ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଉ 2 ମାସ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦିନ ପୁନଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଲେ। ତ ବିଗତ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଉଭୟ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ହେବେ। ଆଜିଠୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କାଲ ଗଲା, ବ୍ରତ ଘର ବିବାହଘର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା ସବୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୀତି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଖଟ ସେଜ ଯେଉଁ ଘରେ ରଖାଯାଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଘର ଅଛି, ତାକୁ ଶୟନ ଘର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ସେ ଶୟନ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ 3ଟି ଶୟନ ବିଗ୍ରହ ବାହାରିବେ, ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୟନ ବିଗ୍ରହ ନାରାୟଣ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସୁଦେବ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଏଇ 3 ଶୟନ ବିଗ୍ରହ ମୁଦିରସ୍ଥ ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବକ ଯେ ଗଜପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେ ଆଉ ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏଇମାନେ ନେଇକି ସେ ଶୟନ ଘରେ ତାଟ, 3ଟି ତାଟ ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ତାଟରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୋଇବେ ଆଉ ତାଲା ଦେଇକି ମୁଦ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଳସିଂହାର ବେଶ ହେବେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ 2 ଥର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବେ, 2 ଥର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ। ଏଇ ହରି ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଥରେ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କଡ଼ ଲେଉଟେଇବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀ, ସେଦିନ ପୁନଃ ସେ ଶୟନ ଘର ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ବନ୍ଦାପନା ହେଇକି ଦିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଡ଼ ଲେଉଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଇସାରିବେ ଠାକୁର। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଦ୍ରହସ୍ତ ସେବକ, ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଏମାନେ ପୁନଃ ଶୟନ ଘରକୁ ଖୋଲିବେ, ଆଉ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ତାଟରେ ଶୋଇଥିବେ 3 ଠାକୁର, ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଦାପନା କରିକି ପୁନଃ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଉଠେଇକି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ବିଜେ କରିବେ ଗର୍ଭଗୃହରେ, ଆଉ ସିଂହାସନର ଉପରେ ରେଖି 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇବେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାସୁଦେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। 3 ବାଡ଼େ 3 ଲୋକ ସେବକ ପଶୁପାଳକ, 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 ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ଉଭା, ରତ୍ନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା ମଣିକେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା ମଣିକେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ 3 ବାଡ଼ରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଖାଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯିବ, ଆଉ ସେ 3 ଠାକୁର ପୁନଃ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେବେ, ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଇକି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଭୋଗ ଖାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ପହୁଡ଼ିବେ।
ए नीति आज स्वतंत्र भाव राति करा जीवो और सकाळे लक्ष्मी नारायण बेश हेबे अवकाश नीति सरले गाधै सारिले लक्ष्मी नारायण बेश हेबे राई दामोदर बेश हेला बेळकु महाप्रभु को श्रीभुज रे गोटे नळी भुज लगा जीवो नळी भुज सुनार नळी भुज किंतु आज ठारु से नळी भुज लगा हबनी स्वतंत्र भाव रे श्री कर पल्लव हात लगा हबो सुनार हात बड़ ठाकुर को महाप्रभु को आ शंख चक्र धरिबे दुई हाथ रे बड़ ठाकुर हल मुसल धरिबे महाप्रभु शंख चक्र धरिबे आ सुनार किया किया माने किया फूल देखी छो ना से जेमती हेई थाए आंब पत्र भलिया सुनार किया प्राय 460 टी सुनार किया सळखा भाव रे ठिया ठिया करी महाप्रभु किरीटी लागी हेबे सुनार आ से किरीटी उपरे से सुनार किया गुडाक खंजा जीव तो यह भाव में महाप्रभु लक्ष्मी नारायण रूप से समस्त को दर्शन देवे जगन्नाथ महाप्रभु की जय बरसक सारा हेउ थाई बेस एभली रसिक ठाकुर जी वर्ष जाक विभिन्न प्रकार बेस होते आ भक्त मान को सुख दौथे तो काली आम श्रवण करथिले ब्रह्मा ए क्षेत्र को आसिकी महाप्रभु को स्तुति करथिले जम ए क्षेत्र को आसीथिले आ महालक्ष्मी जम को ए क्षेत्र महिमा बतैथिले अष्ट दिगे अष्ट शंभु अष्ट चंडी बेढ़ी की अछंती ए क्षेत्र को तेणु हे जम मोर क्षेत्र को न पसीबु जेबे तू जीव ने बंचीबु जम को एक क्षेत्र भितर प्रवेश नाही आ ब्रह्मा को महालक्ष्मी कहिथिले कि हे ब्रह्मा भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक राजा एक क्षेत्र को आसीबे आ बड़ देवल निर्माण करिवे आ महाप्रभु चतुर्धा रूप धारण करिकी बलदेव सुभद्रा आ सुदर्शन सहित महाप्रभु एठी विजय करिवे ऋषि माने जैमिनी मुनि को कहंती कि हे जैमिनी मुनि महालक्ष्मी कहिले कि भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक राजा ए क्षेत्र को आसीबे एवं मंदिर निर्माण करिवे तेणु आमे श्रवण करिया पई चाहूचू कस्मिन् देशे द्विजः श्रेष्ठः तच्छेत्रं पुरुषोत्तमः जत्र नारायण साक्षात् दारुरूपी प्रकाशते हे जैमिनी मुनि कौ देश रे साक्षात नारायण दारु रूप रे विराजमान करिवे और प्रत्यक्ष लीला करिवे जैमिनी मुनि कहंती हे मुनि माने उत्कलो नाम देशोस्ति ख्यातः परम पावनः यत्र तीर्थान्यनेकानि पुण्यान्यायतनानि च पवित्र उत्कल भूमि उत्कल देश जे परे कलिंग हैला और एबे जहाँ को आम ओडिशा बोली कहूँ किंतु ये भूमि रो प्राचीन नाम होचु उत्कल और ता पूर्वर या को औड्र देश बोली भी कहा जाऊला उत्कलो नाम देशोस्थि ख्यातः परम पावन अति पवित्र उत्कल भूमि जो भूमि रो महिमा कौन कहिबी गृहे गृहे निवसति लक्ष्मी नारायणाज्ञया ए उत्कल भूमि रे नारायण कर आज्ञारु घरे घरे महालक्ष्मी निवास करंती जदि आपण प्राचीन शोध करिवे ए जो अन्न आम खाऊचु अन्न साक्षात महालक्ष्मी कर स्वरूप जा उपरे लक्ष्मी रुष्ट ही जीवे से अन्न पाइब नाही आ संपूर्ण भारत नुहे संपूर्ण पृथ्वी को जदि कौ देश अन्न देछि से देश होचि उत्कल भूमि उत्कल भूमि ए जो कोरापुट आम कलाहांडी कोरापुट अंचल आप देखिए चाउल बहुत पुराणा पुराणा बिहन गुड़ाक आज भी ए कलाहांडी आ कोरापुट अंचल अच्छी जो बिहन प्रजाति गुड़ाक प्राय लुप्त ही सरला
ତେଣୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖୁଏଇଛି ଉତ୍କଳ ଦେଶ। ଗୃହେ ଗୃହେ ନିବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା, ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରୁ ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶର ଘରେ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଅର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଦେଶରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଅର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ, ଚାଉଳ କି ନାହିଁ, ଏ ରୁଟି ଖାଇବା ଏବେ ଏବେ ଶିଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ନହେଲେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆରେ ଭାତ, ଦ୍ୱିପହରେ ଅର୍ଣ୍ଣ, ରାତିରେ ବି ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସିନା ଭୁଲିଗଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିଛ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁଟି ଖାଉଥିବେ, ପରଟା ଖାଉଥିବେ? ଦିନକୁ ଛଅ ଥର କମ୍ ସେ କମ୍ ଅର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବେ, ଦିନକୁ ଛଅ ଥର ବେଶ ହେବେ ଆଉ ଛଅ ଥର ଖାଇବେ। କେତେବେଳେ ବେଶ ହେବେ? ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଅବକାଶ ହେବ, ଅବକାଶରେ ଦନ୍ତ ମଞ୍ଜନ କରିକି ଜିଭ ଘଷିକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ବେଶ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବେ ଅବକାଶ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବେ, ତଡ଼ପ ଲାଗିବେ, ସତଡ଼ପ ମାନେ ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକା ହେବ, ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ହାଲୁକା ସୂତାର ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ସେ ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ସବୁ କରିବେ। ଏ ଗଲା ପ୍ରଥମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅବକାଶ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ଧୂପରେ ଯେଉଁ ବାରରେ ଯେଉଁ କଲର୍ର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା କଥା, ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲିଆ କପଡ଼ା, ବୁଧବାର ଦିନ ଶାଗୁଆ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଣି ଧଳା, ଶନିବାର ଦିନ କଳା, ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ନାଲିଆ, ବାର ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ସକାଳ ଧୂପ ଥରେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଯେବେ ଠିକ ସାଢ଼େ ବାରଟା ଗୋଟିଏ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଗ, ଏହାକୁ ଛତ୍ର ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେବେ ଛତ୍ର ଭୋଗ ହେବ, ସେତିକି ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସକାଳ ଧୂପ ବେଳକୁ ପାଟ ଲୁଗା, ତାକୁ ଉଲାଗି ହେବ, ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ, ଆଉ ଥରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୋଗ ଖାଇବେ। କେତେଟା ବେଶ ହେଲା? ତିନିଟା ହେଲା। ଆଉ ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବେଶ ହେବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ନାଲି ରଙ୍ଗର ସେଥିରେ ଛିଟ ପଡ଼ିଥିବ ତଳେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସରିଗଲା, ପୁଣି ସେ ଲୁଗା ଉଲାଗି ହେଇଯିବେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବେ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି କି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାମଣି କି ସୁବେଶର ଲାଗି ଶେଷ ଲାଗି ହୋଇ ଜିନବାସ ସୁବେଶର ଲାଗି ଶେଷ ଲାଗି ହୋଇ ଜିନବାସ ସୁବେଶର ଲାଗି ଶେଷ ଲାଗି କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍ପା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍ପା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍ପା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍ପା ଆହା କେଡ଼େ ଠାଣି କି ଆହା କେଡ଼େ ଠାଣି କି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସୁବେ
सर लागी शेष लागी हो झीन बास माने गोटे पुणी सूतार लुगा पिंधे आ सूता लुगारे चंदन लागी हेबे आ चंदन बेश हो सारा महाप्रभु सबुठ बड़ बेश जहाँ को बड़ सिंहार बेश बोली कहा जाए से बड़ सिंहार बेश हेबे गीत गोविंद लेखाही खंडुआ पिंधे नाना प्रकार फूलमाला कर पल्लव अधर माला श्री पैर माला झरा गभा पिंधिकी बड़ सिंगार हेबे एभली भाव दिन को छर बेश होते आते थर बेश होते सेते थर खाऊ रुटी नुहे सबु थर महाप्रभु अबड़ा खाइबे कानिका खाइबे मीठा अन्न खाइबे घी अन्न खाइबे अदा हिंगु पड़िकी मुग डाली पड़ी खेचुड़ी बनाई थे खाइबे आ राति रे तो बढ़िया दही पखाड़ को घी पखाड़ अदा पड़ी थी पखाड़ को कदली भजा तो ओडिया जाति सिना अन्न खाइबा भूली गले किंतु महाप्रभु आज भी अन्न खाइबे तेणु गृहे गृहे बसती लक्ष्मी महाप्रभु को आज्ञा रु घरे घरे महालक्ष्मी विराजमान करती मुनि माने पचारते हे जैमिनी मुनि कस्मिन् जुगे सतु मुने इंद्रदुम्नो भवन रूपः कस्मिन् देशस्य नगरम कथम वा पुरुषोत्तमः। महाराज इंद्रदुम्न यांकर जन्म कौ देश रे हेतिला कौ राज्यर राजा ये थिले आ कोहुटु आसिले आपण कृपा करी कुहंतु। जैमिनी मुनि बहुत प्रसन्न हो गले हे मुनि माने आपण को मान मनरे महाप्रभु विषय शुणार जिज्ञासा हो सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि राजर्षि तवसत्तम आपणकर बुद्धि व्यवस्थित हो जाइए कारण जार मती भगवान कथा श्रवण करने थाए जानवे भगवान ताऊपर बहुत कृपा कर कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा सकले कृष्ण कथा कर जेबे संशय नाही मोर सकले कृष्ण कथा कर जेबे संशय नाही मोर। तेणु हे मुनि माने मु एबे महाप्रभु के विषय कहिबि सावधान हो कि श्रवण कर आसित कृत जुगे विप्रा इंद्रदुम्नो महान रूप सूर्यवंशेश धर्मात्मा स्रष्टु पंचम पुरुष। महाराज इंद्रदुम्न कृत जुगे सत्य युगर राजा थिले कली युगर राजा नुहंती सत्य युगर राजा इंद्रदुम्नो महान रूप से रजाकर नाम है महाराज इंद्रदुम्न यांकर जन्म सूर्यवंश रे हेतिला सूर्यवंशी राजा ब्रह्मांकर पंचम पुरुष थिले आ कौ देश अवंती जहाँ को वर्तमान उज्जैन बोली कहा जाए महाकालेश्वर महादेव जोटी विराजमान अछंती सामान्य राजा नुहंती अष्टादशसु विद्यासु बृहस्पति रिवापर ऐश्वर्येण सुराधीश कुबेर कोश संचय। अष्टादश विद्यार निपुण थिले विद्यारे बृहस्पति समान विद्वान थिले मूर्ख राजा नथिले बृहस्पति समान विद्वान थिले ऐश्वर्यरे धन संपत्ति रे इंद्र समान थिले कुबेर समान थिले विपुल ऐश्वर्य महाराज इंद्रदुम्नंकर सत्य युगरे अवंती रे राज्य करती अवंतिम नाम नगरीम मालवे भुवि विश्रुताम
अवंती नगरे राज्य करती और महाप्रभु चरणारविंदर तांकर सहज रति थाए, सहज प्रेम थाए। दिने महाप्रभु तांकर मन को हरण कर देले, लेकिन भगवान सरल अवणी चोरौले, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगना नाना दुकुलादि चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। ये पाप को हरण कर दियंती दर्शन मात्रे, गोपी मानकर वस्त्र भी हरण करथिले, सरल अवणी चुरांती। आउ गोटे कथा ये हरण करती, जदि निर्मल मन देखिबे, जार मन विशुद्ध थिबो तार मन को मध्य हरण करदेवे, आउ जार मन को जार चित्त को हरण करदेवे से तांको बिना रही पारिब नाही। राजा इंद्रदुम्न निर्मल बुद्धि देखिकी महाप्रभु प्रसन्न हेले, आउ राजांकर मन को हरण कले। आउ जेबेठु महाराज इंद्रदुम्न चित्त को हरण करचंती, राजा इंद्रदुम्न रातिर सोई पारु नहंती, रातिर आखि बुझिले आखि सामने महाप्रभु छवि देखा जाउची, शंख चक्र धरिकी राजांकु स्वप्नरे दर्शन दियंती, व्याकुल हीगले आउ रही पारले नाही। तांको राज्य रे जिते ब्राह्मण थिले, विद्वान थिले, वैदज्ञ पंडित थिले, समस्तंकु बसैले, आ समस्तंकु बसैकी हाथ जोड़ी कहंती, देख पंडित माने, हे विद्वान माने, मु आउ महाप्रभु को माधव को दर्शन न करी रही पारिबि नाही, तेणु समस्ते कृपा कर, एइभळी कोनोसी उपाय बताओ जेमिति महाप्रभु को मु दर्शन करि पारिबि। मोर इच्छा अछि कि एही चर्म चक्षुरे, एही चर्म नेत्र द्वारा मु भगवान को दर्शन करिबि। समस्ते कहिले राजा आपण केड़े बड़ कथाटे भावुछंती, आमे सुनीचु जीवन सारा तपस्या करिकी मला परे जदि दर्शन हब हब, किंतु एही चर्म चक्षु द्वारा भगवान अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करैले, दिव्य चक्षु देले, आकले देख अर्जुन मोर स्वरूप को, तथापि अर्जुन देखिकी संभाली पारले नाही, कहले प्रभु मोर हाथ गोड़ थरी जाउछि, मो देहरे ज्वर ही गलाणी, मु आपण को रूप को देखि पारु नाही। आउ आपण एही चर्म चक्षुरे देखिबे, कहले हाँ एही चर्म चक्षुरे, एही आखिरे मु भगवान को देखिया पई चाहूछि। कौनसी पंडित, कौनसी विद्वान रजांकर जिज्ञासा को समाधान करी पारले नाही, किंतु जदि महाप्रभु को दर्शन करिवार तीव्र जिज्ञासा ही जाए, भगवान को दर्शन करिवार उत्कंठा ही जाए, कौनसी ना कौनसी उपाय रे भगवान उपाय बतई दियंती। बड़ कौतुकिया प्रभु, स्वयं महाप्रभु गोटे जटिल सन्यासी रूप धारण कले, बड़ बड़ जटा थाए, तेजस्वी स्वरूप, आ जटाधारी जटिल सन्यासी रूप धारण करिकी से सभारे पहुँचिले, आ से जटिल सन्यासी को देखिकी समस्ते सांगे सांगे छिड़ा ही पड़ले। तांको मुखरु एभली तेज बाहरुथुला, एभली शोभा थिला, समस्ते प्रणाम कले। राजा इंद्रदुम्न आसन देकी बसैले, चरण धोइले, और तांकु भी सही प्रश्न कले कि हे गुरुदेव, मते आपण मोर जिज्ञासा को समाधान करंतु कि मु एही चर्मचक्षुरे, एही नेत्र द्वारा परमात्मा को, ब्रह्म को कोठी दर्शन करिवे। तांकर जिज्ञासा को सुनिकी से जटिल सन्यासी कहंती, हे राजा, जदि एही चर्मचक्षुरे स्वयं ब्रह्म को दर्शन करिया पई चाहूच, तो जथा शीघ्र औड्र देश को जाओ, उत्कल देश को जाओ। औड्र देश इति ख्यातो वर्षे भारत संज्ञके दक्षिणस्य उदधी तीरे क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमम्। हे राजा, औड्र देश नामक गोटे जागा ए भारत भूमि रे विख्यात अछि, दक्षिण समुद्र रे तीर रे, आ जो उड्र देश रे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक क्षेत्र अछि, आपण से पुरुषोत्तम क्षेत्र को जानतु, आ से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे समुद्र कूल रे नीलगिरी पर्वत वळी गुडे पर्वत अछि, दाकु नीलाचल वळी कहा जाए, आ से नीलाचल पर्वत उपरे कल्पवट अछि,
जो बट प्रलय समय मध्य नष्ट हुए नाही। जस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, से कल्प बटर छाई भी यदि जा शरीर में पड़ी जाए ब्रह्म हत्या समान पाप भी नष्ट ही जाए। तेणु बड़ देवल को गले कल्प बट तले किसी समय बसवा कथा। से वृक्षर छाई पड़गले मनुष्यर अनेक जन्मर पाप नष्ट ही जाए। और से कल्प बट पाखरे यत्र साक्षा जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाम दर्शनान मुक्ति यो ददाति कृपानिधि। से कल्प बट पाखरे साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान करचंती, दर्शन मात्रे जीव मानक मुक्ति दे दियंती। तेणु हे राजा आपण बेसी विलंब न करिकी अति शीघ्र आपण से जागा को जानतु। नो धनम न च भूमिश्च तत्व संप्रार्थय धुनः बेलीकमे तन्माम बुद्ध्या तत्रस्थम श्रीधरम भजह। और सुन राजा से स्थान को जाकि महाप्रभु को धन दे दिय, संपत्ति दे दिय, भूमि दे दिय, सुंदर स्त्री दे दिय, ये सब किछि मागिबनी, निर्मल बुद्धि रे केवल श्रीधरम भजह। कारण जी संपत्ति मागे महाप्रभु तो संपत्ति ताको दे दियंती, इते संदेह नाही। जहाँ मागेव महाप्रभु देवे चतुर्वर्ग फल प्रदान करिया पाई बसचंती। किंतु जी किछि मागेनी, धन मागू नाही जन मागू नाही धन मागू नाही जन मागू नाही मागू सरदा बलिर व्यलीकमे तन्माम बुद्ध्वा तत्रस्थम श्रीधरम भजह। से स्थान को जाई कि निर्मल बुद्धि रे केवल महाप्रभुंकर भक्ति कर। जदि एभली भाव रे महाप्रभु को डाकिबो देखिबो राजा महाप्रभु मुंडरे मुंडेइबे। एभली कहि कि अंतरधानम जगामासु राजा परम विस्मयम। एभली उपदेश देकी से जटिल सन्यासी सेठारू अंतर्धान ही गले। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। समस्ते विस्मय ही गले कि जटिल सन्यासी आसिले कौठु आउ गले कौठी की हटात अंतर्धान ही गले। आउ तांकर उपदेश को सुनिला परे आउ राजा इंद्रदुम्नक धैर्य रहिला नाही। आउ छन छन ही गले, आउ उच्छन्न ही गले। जथा शीघ्र जीवि महाप्रभु को दर्शन करी, मंत्री मान को बसईले, राजगुरु मान को बसईले, चर्चा कले, हे मोर मंत्री माने, हे राजगुरु माने, कौनसी उपाय रे भी मते से क्षेत्र को नहीं जाओ। देखे विन रघुनाथ चरण जिया की जरनी न जाई। जे पर्यंत महाप्रभु को देखिबिनि मोर हृदय भितरे जोड़ुवा से अग्नि शांत हब नहीं। से समय रे महाराज इंद्रदुम्नकर जे राज पुरोहित थिले, कुल पुरोहित थिले, से कहले महाराज आपण व्यस्त होंतुनी, आपण गला पूर्वरु आगे आमे जीवु, आगे जाइकी से माधव को दर्शन करिवु, आपणकर रहिबा व्यवस्था करिवु, आउ तापरे आपण सिटिकी विजय करिवे। तो किए जीव भ्राता विद्यापतिर नामह जनियान में ब्रजिष्यति देश भ्रमणशीलैश्च
तारै सह तवानुध। मोर भाई के कहउचंती राजा इंद्रदुम्नंकर राजपुरोहित, मो भाई इंद्रदुम्न नामक से, हे राजा इंद्रदुम्न विद्यापति नाम रे मोर भाई से आगे जीवे, कारण से विद्यापति यात्रा करिवारे बहुत कुशल, से यात्रा करी करी भारत वर्ष रे कोउ जागा रे कोण अछि से भल भावरे जानी छंती, से आगे जीवे आ से जाई कि सब व्यवस्था करिवे। तत्र गत्वा जगन्नाथम दृष्ट्वा सही गिरौ यथा कटका वास संस्थानम भूप्रदेशम प्रमीयच। आगे इन विद्यापति जीवे और विद्यापति जाई कि से जागारे व्यवस्था करिवे, आपण रहिबा पई सब व्यवस्था करिजो करा जीवो, और तापर हे महाराज इंद्रदुम्न आपण से जगह को विजय करिवे। विद्यापति को हाथ झोड़िले जेमिति भगवान मथुरारु उद्धव को वृंदावन पठेला समय रे गृहित्वा पाणिनाम पाणी प्रपन्नाहर्त हरौ हरि उद्धव हाथ धरिले आ उद्धव कहते उद्धव मोहर प्रिय अटु जेबे गोपपुर को जाते वे मोहर प्रिय अटु जेबे गोपपुर को जाते वे। सही भाव रे राजा इंद्रदुम्न विद्यापति रा हाथ धरिले आ कौन कहिले मोहर प्रिय अटु जेबे नीला चल को जाओ तेबे मोहर प्रिय अटु जेबे नीला चल को जाओ तेबे। हे विद्यापति जथा शीघ्र आपण नीलाचल को जानतु आउ से नील माधव को दर्शन करी आसंतु आ मु जीवी। महाराज इंद्रदुम्नक ठारु विद्यापति आज्ञा मागिले आ दिव्य रथरे विराजमान कले, दिव्य रथरे बसिकी नीलाचल अभिमुखे यात्रा करंती आ मार्गरे गला बेळकु मने मने विचार करंती मोर कौ जन्मर पुण्य आज उदय हेला। इच्छा तो हेला राजा इंद्रदुम्नक मनरे भगवान को देखिया पई किंतु से देखि पारलेनी, आगे मते देखिवार सौभाग्य मिलिबो। अहो मे सफलम जन्म सुकल्या सर्वरी चमे द्रक्षामि यत् भगवतो मुख पद्म मघापहम। आज मोर दुर्भाग्य रूपी रात्रि दूर हैला, दुख रूपी रात्रि बीतिला आ सौभाग्य रूपी सूर्य उदय हैला। द्रक्षाम यत् भगवतो मुख पद्म, भगवान को मुख पद्म देखिवार सौभाग्य मिलिबो। माने जे पर्यंत महाप्रभु को मुख पद्म को दर्शन करी ना हो से पर्यंत सौभाग्य रूपी सूर्य उदय हब नाही। आ जो दिन महाप्रभु को दर्शन हो गला जान मनुष्यर सबु दुख गला। सते की नयने सते वृंदावने एवे नयने मुरली धारी की देखी सते की नयने वृंदावने मुरली धारी की देखी सते वृंदावने ए पाप नयने मुरली धारी की देखी सते वृंदावने ए पाप नयने मुरली धारी की देखी सते नीला चले ए पाप नयने मुरली धारी की देखी
ମତେ ନୀଳା ଚଳେ ଏ ବାପ ନୟନେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖିବି ୟନ୍ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତ୍ରିଧାଃ सघं प्रणासं स्मरतां प्रयाति तमद्य विश्वेश्वरमप्रमेयं साक्षात् करिष्यामि गिरौ वसन्तम् जहांकर नाम संकीर्तन कला मात्रे मनुष्यर समस्त पाप दूर ही जाए। जो भगवान विश्वेश्वर है, जो भगवान विश्वरनाथ अखिल ब्रह्मांड नाथ, साक्षात् करिष्यामि, से नीलगिरि पर्वतरे जाइके से महाप्रभुंक साक्षात दर्शन करिवि। रास्ता सारा एभली भावरे चिंता करंती, आउ चिंता करी 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 केते बेले नीलाचल पहुंची गला राजा श्री विद्यापति जानी पारिले नाही। इत्थम संचिंतयन विप्रह प्रहस्तेनांतरात्मनः अतीतं बहुमध्वानं नाबुद्ध्य अथवेगतः। महाप्रभु को प्रति यदि भक्ति थाए और जगन्नाथ को दर्शन करिवार आतुरता थाए तो केवे महाप्रभु प्राप्त ही जीवे जना पड़िव नाही। राजा इंद्रदुम्न मार्ग जानी पारले नाही, केते बन केते पर्वत केते देश अतिक्रमण करिकी ए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आसिकी पहुँचिले। आगे भुवनेश्वर रे एकाम्र क्षेत्र रे कोटिलिंगेश्वर भगवान लिंगराज को दर्शन कले, एवं लिंगराज को दर्शन कला परे मार्ग रे गोटे ब्राह्मण मानकर पल्ली पड़ा, ब्राह्मण मानकर ग्राम, से ब्राह्मण मानकर ग्राम रे ब्राह्मण मानकु दर्शन कले। आ तत्पश्चात जेबे श्रीक्षेत्र को पहुँचिंती, नीलाचल क्षेत्र को पहुँचिंती, सबरपल्ली देखिले। चारिआड़े खाली जंगल ही जंगल थिला, बन ही बन थिला, आउ से बन प्रदेश भितरे से अरण्य भितरे केवल सबर माने निवास करूथिले। आउ से सबर माने कोनोसी शिकार करिकी मृग हरिण खाइबा सबर नुहंती, सब वैष्णव माने थिले। घर बाहरे बसिकी समस्ते मिसिकी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सब हे नीलगिरी पर्वत तले बसिकी सब सबर माने कीर्तन करूथिले। समस्त घर आगे गोटे गोटे दीप जलुला कीर्तन करूथिले। आ जेबे विद्यापति प्रवेश करचंती ददर्श विष्णु भक्तास्तान शंख चक्र गदाधरान विद्यापति को कौनसी मनुष्य देखा गलिने से भितरे से सबरपल्ली भितरे जेते सबर माने थिले सबु सबर माने चार चार हाथ थाई कि चतुर्भुज ही कि शंख चक्र गदा पद्म धरिकी अछंती। ए जेते श्रीक्षेत्रवासी ए माने सब विष्णु स्वरूप, ए श्रीक्षेत्र ए नीलाचल ए भू वैकुंठ साक्षात वैकुंठ ही श्रीक्षेत्र रूप रे ए भूमि रे अवतार नहीं चंती। आउ वैकुंठ वासी समस्ते चतुर्भुज समस्ते शंख चक्र गदा पद्म धारण करंती। यत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम मुपेति, ए क्षेत्र भीतर प्रवेश कला मात्रे प्रत्येक मनुष्य सच्चिदानंद में ही जाए, विष्णु स्वरूप ही जाए। जेते समय पर्यंत मनुष्य श्रीक्षेत्र भितरे थाए पुरुषोत्तम क्षेत्र भितरे थाए से विष्णु समान ही की थाए। ददर्श विष्णु भक्तान स्थान शंख चक्र गदाधरान सब विष्णु भक्त माने विद्यापति को शंख चक्र गदा पद्म धारण करी कि चतुर्भुज ही की देखा गले। जातिरे ब्राह्मण थिले
आ माने सब सवर थिले किंतु ब्राह्मण अभिमान को त्याग करी परम वैष्णव परम भक्त बोली जानी साष्टांग प्रणाम कले दंडवत प्रणाम करहोवत स्वपचोते गरीयान यज्जिभाग्रहे वर्तते नाम तुभ्यम। से नास्तिक भगवान बहिर्मुख ब्राह्मण ठारू से चांडाल शूद्र श्रेष्ठ जे भगवान कर भक्ति युक्त ही की थाए जार जिह्वारे भगवान कर नाम थाए। तेणु प्रणम्य शिरसा विप्रह मुंड लगे कि से ब्राह्मण विद्यापति से सवर मान को प्रणाम कले। से सवर माने भी उठी कि स्वागत कले आ सवर मानकर भितरे से सवर मानकर राजा थिले आ से राजांकर नाम होची विश्वावसु। ए विश्वावसु परम वैष्णव जे प्रतिदिन जाकि नीलमाधव को पूजा करके आसती नील पर्वत उपरे जो नीलमाधव अच्छा से नीलमाधव को कौन सी मनुष्य देखि पारंती ना जड़े मात्र विश्वावसु प्रतिदिन सका जीवे नीलमाधव को पूजा करे संध्या हला फेरी आसवे संध्या हला पूर्वर फेरी आसवे आ संध्या हला परे स्वर्गरु सबु देवता माने आसिबे इंद्र कुबेर वरुण जम सबु देवता आसंती आ नील माधव को दिव्य उपहार देकी पूजा करंती। से पर्वत रे रात्रि संध्या हे गले घंट शंख मृदंग काहली ये सब बाजी उठे देवता मानकर पुष्पर सुगंधि सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तेणु विश्वावसु जेबे देखिले जणे ब्राह्मण आसीछंती आ विष्णु भक्त ब्राह्मण आसछंती उठिले और हाथ जोड़ी के स्वागत कले हे ब्राह्मण वर ए श्रीक्षेत्र को आपण को स्वागत अच्छी किंतु ए अरण्य भीतर को आपण को आसवार कारण कौन आपण यात्रा करके आसी किसी खाई कि नाई क्षुधार्त हो थे तेणु आपण आसतु आसिक मो घरे किसी भोजन करतु। विद्यापति कहती हे विश्वावसु मु प्रतिज्ञा करके आसी जे पर्यंत ए आखिरे नीलमाधव को दर्शन करी नाही से पर्यंत पाणी बुंदे भी ग्रहण करी नाही तेणु आपण कृपा करी आगे मते नीलमाधव को दर्शन करी दियंतु। ए सिनेमा टेलीविजन देखी कि आम मुंड भीतर सब अलिया भर दे विद्यापति आसिले आ लुची की विश्वावसुर झील सहित प्रेम संपर्क रखिले आ सोरिष बुणी बुणी आखि पुटली बांधिक नहीं कि देखेदेले ये सब किसी शास्त्र ना विद्यापति परम वैष्णव परम ज्ञानी आ विश्वावसु मध्य सामान्य नुहंती ये भी परम विद्वान। विश्वावसु मने मने विचार कले जन प्रवादम सस्मारम पुराणम सबरालये कले हे विद्यापति आम सबर मानकर वंशानुक्रमे आमे गोटे पुराणा कथा इतिहास शुणी आसुचु आमर बाप दादा माने समस्ते कहुथले आमे शुणीचु कि भविष्य रे इंद्रदुम्न नामक जने राजा ए जागा को आसीबे आ जेबे महाराज इंद्रदुम्न आसीबे ए नीलमाधव अंतर्धान हो जीवे आ नीलमाधव दर्शन हबो नाही आ से राजा आसिकी एठी देउळ बनेबे मंदिर बनेबे तेणु होइहा सोई जो राम रची राखा हो वही सोजो राम रची राखा बोकरी तरक बड़ा करी दर का बढ़ा विश्वावसु कहती तेणु हे विद्यापति जदि महाप्रभु के इच्छा रे अच्छी से अंतर्धान ही जीवे और पुनः आसिक प्रकट हेबे तो तांको इच्छा इच्छामय प्रभु तांको आमे चाहिले भी बांधिक रखी पारू ना षोल सहस्त्र गोपी बांधिक रखी पारे तांकु छाड़ी के पलै आसिले ये निज इच्छा रे आसिबे निज इच्छा रे जीवे तांकु केही बांधि पारिबेनी। तुम हे विद्यापति ततोपि भाग्यवान स्तम ही
यदग्रे नीलमाधवं चक्षुषा पश्यसि ब्रह्मन् नहि यामो यदीत्यकाम। हे विद्यापति आपण महाभाग्यवान, यही नेत्र द्वारा आपण नीलमाधव को दर्शन करिवे। ए जाए मते छाड़िकी कौनसी मनुष्य नीलमाधव को देखी नहंती, खाली देवता माने देखी छंती। तेणु चाल मु आपण को नीलमाधव को दर्शन करिवि, कहीकि हाथ धरिले आ से नीलगिरी पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कौन कहीकि चाल सखी आम्भे दर्शन करीबा, 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 नीलगिरी कालियाको नीलगिरी कालियाको, कर्णे ढल ढल मकर कुंडल, 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 कौस्तुभ दाऊ दाऊ से जे आरत प्राण, से जे आरत प्राण, चाल चाल पशिवा शरण, से जे आरत प्राण, चाल चाल पशिवा शरण, से जे चाल चाल पशिवा शरण, से जे दया सागर, चाल चाल पशिवा शरण, से जे दया सागर। चाल विद्यापति नहीं कि मु नीलमाधव को दर्शन करई देवी, कहीकि हाथ धरिले आ निजे हाथ धरिकी विद्यापति को नील पर्वत ऊपर को चढ़ेले। चढ़ला बेलू से पर्वत एते घन अरण्य कानन कंटा पशु पक्षी माने चारिआड़े बेढ़ी चंती, हिंस्र पशु सिंह व्याघ्र एमाने गर्जना करुछंती। विद्यापति कहंती हे विश्वावसु ए भयंकर वन भीतर को जीवा केमिति, चिंता करंतनी विद्यापति मु प्रतिदिन जाऊछी, तेणु मो पछे पछे आपण आसंतु मु आपण को मार्ग बताई देवी। हाथ धरिक विद्यापति ऊपर को नहीं कि चढ़ेले कल्पवट देखे, देख विद्यापति ये कल्पवट जो कल्पवटर छाई स्पर्श द्वारा ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाए, प्रलय समय रे भी जो बट नष्ट हुए नहीं। रोहिणी कुंड देखेदेले, रोहिणाख्यम महातीर्थम कारणम सर्वपाथ साम, यत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठ भवनम द्विजः। से समय रोहिणी कुंड विशाल कुंड है, बहुत बड़ा थिला, एबे सिना सामान्य कुंडटे छोट टांकी भलिया है कि अछि। कहले हे विद्यापति ये रोहिणी कुंड, रोहिणी अर्थ कौन? रोहण शब्द रु रोहिणी हो जाइछि, जो समय प्रलय हव यही रोहिणी कुंड रु ही प्रलय बारी बाहर, प्रलय पा बाहर आ सारा जगत रे प्रलय हव, जल व्याप्त हो जीव, जल रोहण करिवारु यार ना रोहण हैला, आ रोहण रु रोहिणी हो गला। यत्र स्नात्वा नरो याति वैकुंठ भवनम द्विजः, जो कुंडरे स्नान कला मात्रे मनुष्य वैकुंठ को गमन करे, जो कुंडरे आमिष भोगी चांडाल काकपक्षी पड़ा आ कुंडरे पड़ी पड़ी चतुर्भुज हेकि प्रकट हो गला। से रोहिणी कुंडरे स्नान कले, कल्पवट छाई तले बसिले, विश्वावसु विद्यापति को नहीं कि से गुंफा भितरे से कंदरा भितर को नहीं गले, आ कंदरा भितरे नहीं कि देखेले, हे विद्यापति देख ए जो सामना रे देखुछ ए साक्षात नीलमाधव अछंती।
बोल नीलमाधव की जय। पश्य साक्षात् जगन्नाथम वेदांत प्रतिपादितम। पश्य माने देखो, देखो हे विद्यापति, साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करो, ये नील माधव को दर्शन करो, ये वेदांत प्रतिपाद्य प्रभु वेद जहाँ को प्राप्त करिया पाई सदैव उद्घोष करती, वेद जहाँ को प्राप्त करिया पाई चेष्टा करती, ये सही वेदांत प्रतिपाद्य स्वयं महाप्रभु। आउ जेमिति विद्यापति महादेव महाप्रभु को दर्शन कले, दृष्ट्वा जहि सकलम विविधम पाप संचयम इतः ऊर्ध्वं न शोचस्थम पतितो भवसागरे। यांको ठारु ऊर्ध्वरे जीव उपरे कृपा करिया पई जगत रे केही नाही, यांको भलिया सामंत जगत रे नाही। तेणु हे विद्यापति, ए नील माधव को दर्शन कर, निज नेत्र को सफल कर। विद्यापति महाप्रभु को देखती आउ देखु देखु नेत्र सजल ही जाए, नेत्र अश्रुधार बही जाए, शरीर पुलकित ही जाए, शरीर रोमांचित ही जाए, बार बार दर्शन करुचंती, जेते देखिले मन बुझु नाही। कमनीय चकाखी देखी आखी जाए लाखी शोभा की पारिब कही महिमंडले। एभली शोभा ए त्रिभुवन रे कार अच्छी, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल पुष्प समान जहांकर स्वरूप, तमाल पुष्प प्राय वर्ण जे रूपे मोहे त्रिभुवन, तमाल पुष्प प्राय वर्ण जे रूपे मोहे त्रिभुवन। तमाल फूल देखीच, तमाल राधा तमाल कृष्ण तमाल, याठुर भी आउरी नील वर्णर से फूल, से तमाल फूल जेमती नील वर्ण, नील माधव रूप ठीक सेमती तमाल पुष्प प्राय वर्ण। नीलमणि प्रस्तर रे निर्मित, एकोईस अंगुल उच्च, मैंने प्राय 7.5 फुट उच्चा, आ जहाँकर बाम पार्श्वरे महालक्ष्मी विराजमान अछंती, बल्लकी हस्ता, बल्लकी माने बीणा, गोटे हाथ रे बीणा धरिछंती, आ महालक्ष्मी नील माधव को मुख को अनई छंती, आ नील माधव महालक्ष्मी को मुख को अनई छंती, ए रूप को दर्शन कले आ देखिकी स्तुति करंती। नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते कमलाननम, नमस्ते कमलाननम, नमः कमलपत्राक्षः, नमः कमलपत्राक्षः, त्राहि मां पुरुषोत्तमः, त्राहि मां पुरुषोत्तमः। हे कमलापति माने लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी रमण, कहीं की लक्ष्मी रमण कहिले कहीं जानती महाप्रभु पछे कृपा करिवे, आगे महालक्ष्मी कृपा करिवे, तो लक्ष्मी कांत कहीदेले आगे महालक्ष्मी प्रसन्न ही जीवे, आ महालक्ष्मी प्रसन्न ही गले महाप्रभु निश्चय प्रसन्न हेबे। तो नमस्ते कमला कांत, नमस्ते कमलानन, आनन माने मुख, जहाँकर मुख ही पद्म समान, जहाँ को पद्म मुख बोली कहा जाए, और जहाँकर नेत्र भी कमल समान, नमः कमल पत्राक्षः, जहाँकर नेत्र कमल समान। तेणु आम गाऊ
श्वेत पद्म आखी देखिले लो सखी 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 चित्त की बाहुड़े आओ बाहुड़े आओ करने ढड़ ढड़ मकर कुंडल 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 पद्मे लय कर से जे दया सागर तांक पाद पद्मे लय कर से जे दया सागर नमः कमल पत्राक्ष हे कमल पत्र समान जहांकर नेत्र हे कमल नयन त्राहिमाम पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम मते रक्षा कर प्रभु कहीं रक्षा करिव जे भयभीत थाए से रक्षा पाई मागे विद्यापति को भय विद्यापति कहती प्रभु जेते बड़ विपत्ति मते माड़ी आसुची बदे सेते बड़ विपत्ति आउ कहकु नाही असार संसार परिभ्रमेण निपिड्यमानं खलु रोगशोकै मामुद्धरस्माद् भवदुःख जातात् पादाब्जयोस्ते शरणं प्रपन्नः ए असार संसार को भ्रमण करी 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 प्रभु मु थकी गलिणी जो संसार सुख बोली किछि नाही दुखालयम अशाश्वतम मनुष्य को लागे कि संसार सुख अच्छी किंतु वास्तव में सुख नहीं तेणु तो असार संसार रे महाप्रभु सुख खोजी 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 थकी गली किंतु कौनसी जगह सुख पाइली नहीं आ ये भवसागर रे निपिड्यमान मु बुड़ी जाऊँची प्रभु ये संसार रूपी समुद्र रे बुड़ी जाऊँची आ बुड़ी की खलु रोग सौके नाना प्रकार रोग मते ग्रास करूची शरीरम रोग मंदिरम ए शरीर रोग र मंदिर नुआ नुआ रोग ए शरीर रे बाहरे तेणु एक तो ए संसार रो दुख ए संसार मनुष्य मानकर द्वारा दिया जाइथिबा दुख आउ तापर ए शरीर रो दुख मामुद्धरस्मात् भव दुख जातात् ए भव दुख रु आपण रक्षा करंतु महाप्रभु केमिति रक्षा करिवे शंख चक्र गदा पद्म महाप्रभु 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 धरी छन्ति आंट करी धरी छन्ति आंट करी दुस्सह दुर्गति ग्रह पीड़ा मान 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 आउ के पसीबे डरी से जे आरत त्राण से जे आरत त्राण चल चल पसीबा शरण से जे आरत चालो चालो
शरण से जे अरत त्राण। महाप्रभु ए जो हाथ रे शंख चक्र गदा धरीच ये कहाँ पाई धरीच? ए दुखी दुख दूर करिया पाई तो धरीच। तेणु आपणकर शंख चक्र गदा पद्म को देखी भरोसा करी आपणकर पाद पद्म को आसी पादयो स्ते शरणम प्रपन्न। ए महाप्रभु हे शरणागत वत्सल आपणकर से अभय चरण रे मु शरण पशिली मते रक्षा कर। यही भाव विद्यापति केते स्तुति कले स्तुति करी करी धीरे धीरे संध्या हवा को आसिला। विश्वावसु कहिले विद्यापति एबे एतिकी दर्शन कर एबे संध्या हवा को आसिलानी आ संध्या हेली गले एही जागारे रहिबाटा उचित हबनी। एक तो सिंह भालू आदि कर उत्पात हब आ संध्या हो ए स्थान को देवता माने आसीबे। तेणु संध्या हेला पूर्वरु ए जागा छाड़िकी ए पर्वत तल को ओल्लही जीवाटा उचित हब। विद्यापति कहंती हे विश्वावसु जेते देखु थिले नुआ लागु थाई आखि फेरेई हो नाही। आखि केमिति फेरेकी जीवी छाड़िकी जीवा पई इच्छा हो नाही। विश्वावसु जेमिति सेमिति विद्यापति को से जागारु फेरेई आनिले। नील पर्वत ओल्लैकी विश्वावसु विद्यापति को निज भवन को नेकी आसिले निज घर को नेकी आसिले आ निज घरे विद्यापति को खाइया पई नाना प्रकार महाप्रसाद बाढ़िले। कहले हे विद्यापति आपण केते दिन किछि खाई नहंती आ प्रतिज्ञा करथिले नीलमाधव को न देखिला जाए मु भोजन करिवि नाही। एबे त नीलमाधव को दर्शन भी हेगला एबे प्रतिज्ञा को भांग आ महाप्रभुंकर महाप्रसाद आनीछि ए महाप्रसाद को पाओ। कहिकि एते प्रकार व्यंजन एते प्रकार पदार्थ आणिकि बाढ़ी देले देखिकि विद्यापति आश्चर्य हेगले आ से महाप्रसाद सुगंधी आ जेमिति अल्प टिके नेकि पाटी रे पकई देले तार स्वाद रे विद्यापतिंकर मन प्राण प्रफुल्लित हेगला शरीर रोमांचित हेगला। विद्यापति कहंती हे विश्वावसु साधु मधुपचाराय रुता नेतानि जानिते वस्तुन्य मानुषाणीह यान्य दृष्टानि राजभि। हे विश्वावसु आपण जो सब पदार्थ जो सब वस्तु आणिकि मते देइछंती ए सब अमानुषक वस्तु माने मनुष्य माने केवे एई भली वस्तु देखी नहंती। मु केते बड़ बड़ राजा केते बड़ बड़ सम्राट घरे खाई किंतु एई भलिया वस्तु कहा घरे पाई नाही। आ तुमे सबर जाति बन जंगल भितरे रहुच तमे एते सब दिव्य वस्तु पाइलो कोठु। सुनिकी विश्वावसु प्रसन्न हेले कहले हे विद्यापति आपण ठीक कहिले ए जो वस्तु मु आपण को खाइया पई देई ये पृथ्वीर वस्तु नुहे ए सब स्वर्गीय पदार्थ। जेबे रात्रि रे देवता माने आसंती आ स्वर्गरु दिव्य पारिजात पुष्प आ स्वर्गरु ए सब पदार्थ नहीं कि आणंती नीलमाधव को भोग लगांती आ चली जानती। आ जेबे मु सखाळु जाए से सब वस्तु को संग्रह करिकी नहीं आसे। तेणु देवता माने ए सब पदार्थ महाप्रभु को नीलमाधव को भोग लगैछंती तेणु ये सामान्य पदार्थ नुहे आपणे पदार्थ को ग्रहण करंतु। सक्रादयो देवगण समायान्त्यः त्वं द्विजः। सक्र माने इंद्र इंद्र आदि देवता माने यागो ग्रहण करचंती। हे विद्यापति विष्णु निर्माल्य भोगेन क्षीण रोगा जरावयम्। विष्णु निर्माल्य भोगेन शीयते पाप संघति। ये महाप्रभु को दिव्य निर्माल्य प्रसाद याकु ग्रहण कले मनुष्यर अशेष अशेष रोग दूर ही जाए तार दुख दूर ही जाए और तार पाप हृदय भितर तिष्ठि पारंती नाही जे महाप्रभु को निर्माल्य को ग्रहण करे। कारण जगन्नाथ महाप्रसाद
आ जगन्नाथ भितरे कौन सी भेद नहीं, जे महाप्रसाद से जगन्नाथ महाप्रभु आ महाप्रसाद भितरे किसी भेद नहीं। महाप्रसाद आसीगले माने जन स्वयं महाप्रभु आसीगले, कारण ये विश्व ब्रह्मांड रे महाप्रसाद केवल ए श्रीक्षेत्र रे निर्माण हुए आउ कौ जगार निर्माण हुए नहीं। आम थे कटा भांजी करूँ पूरी रु सुआर माने सब आसी प्राय 30-35 जन सुआर माने सेठू चाउल धरिकी आसते सेठू डाली धरिकी आसते पनीपरिया सेठू आणिले तेल मसला सेठू आणिले जो गंगा जमुना कुंवर पानी आणिकी रोसई हुए से कुंवर पानी 2-4 बोतल भी नहीं कि आसते आठ रोसई कले सही सुआर माने जो दिन जो माने प्रतिदिन रोसई करती जमीती भोग लगे कथा भोग लगे किंतु पाइला परे कहीं से स्वाद कहीं से महाप्रसाद स्वाद कहीं से सुगंधी। लक्ष्मी महाराणी जोटि स्वयं रोसई करिवे भुंगते स्वयं जनार्दन स्वयं जनार्दन भोजन करिवे श्रीक्षेत्र को छाड़ी देले अन्य जगह हबो तेणु न चित्रम द्विज श्रेष्ठ येन शान्म भक्ति भाजन तेणु भक्ति द्वारा ए भोग को आपण ग्रहण करंतु से महाप्रसाद को ग्रहण कले जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कला रे भाई मते कालिया कला रे भाई जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कला रे भाई मते कालिया कला रे भाई मते कालिया कला रे भाई सहिलाणी तर होई आग भर सहिलाणी तर होई आन भर सहिलाणी तर क्षेत्रे आसिली धाई मते कालिया कला रे भाई मते कालिया कला रे भाई जगन्नाथियार श्री महाप्रसाद पागल कला रे भाई मते कालिया कला रे भाई से महाप्रसाद को विद्यापति पाइले किछि दिन सेठी निवास कले आ सब कथा कहिले विश्वावसु को यही विश्वावसु मु एठु गला परे महाराज इंद्रदुम्न को सब खबर कहिबि आ महाराज इंद्रदुम्न एठी की आसीबे सब कहिला परे विश्वावसु कहिले सुन विद्यापति आज आपण नीलमाधव को दर्शन करके आउ नीलमाधव दर्शन कहीं करे ना इंद्रदुम्न राजा बहु आशा करीलमाधव को देखापी किंतु ताग्य नीलमाधव दर्शन ना कि एक आपण इंद्रदुम्न को कहे ना ना मन निराश हो जाए दिन रही श्रीक्षेत्र को भ्रमण कले आ्रीक्षेत्र भ्रमण कलापर विद्यापति पुनः अवंती को फेरिले आउ जो दिन विद्यापति अवंती को फेरिले से दिन संध्या रे बाली झड़ हैला भयंकर पवन बहिला झड़ हैला बात्या हैला आउ संपूर्ण नीलगिरी पर्वत सुवर्ण बालुकारे समुद्र बाली रे आच्छादित होगला आवृत होगला आउ नीलमाधव से सुवर्ण बालुकारे अंतर्धान होगले बोल नीलमाधव की जय अंतर्धान हो गले भगवान नीलमाधव आउ कही दर्शन करी पारले नहीं सही दिन रात्रि रे जेमती प्रतिदिन देवता माने आसंती देवता माने आसिले नीलमाधव को देखिया पाई
ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜନ୍ତି ନୀଳମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନୀଳମାଧବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ଦେବତାମାନେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଅପରାଧ କିମସ୍ମାକଂ ଲକ୍ଷିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆପଣ ଆମର କେଉଁ ଅପରାଧ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ? ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅପରାଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ନୀଳମାଧବ ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତତ୍ପ୍ରିତ୍ୟେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତ୍ୱଦାଦିଷ୍ଟ ଫଳପ୍ରଦାତ୍ ତ୍ୱଦହଂକାର ବର୍ଷ୍ମାଣ ତ୍ୱଦନୁଗ୍ରହ ଜୀବନ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବଳ ମିଳିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆହୁତିକୁ ପାଇକି ଆମେ ସବୁ ଦେବତା ବଲବାନ ହଉ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ। ଆମ ସେବାରେ କେଉଁ ଅପରାଧ ହୋଇଗଲା, କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହେଲା? କେଣେ ଗଲେ ମାଧବ ଅନାଥ କରିଣ, କେଣେ ଗଲେ ମାଧବ ଅନାଥ କରିଣ, ପଦ୍ମ ମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ, ପଦ୍ମ ମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବ ଜୀବନ, କିଣି ଗଲେ ମାଧବ ଅନାଥ କରିଣ, ପଦ୍ମ ମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜୀବନ, କିଣି ଗଲେ ଅନାଥ କରିଣ, ପଦ୍ମ ମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବ ଜୀବନ, ଅନାଥାନ୍ ଦୀନ ହୃଦୟାନ୍ ତ୍ୱାମେବ ଶରଣଂ ଗତାନ୍। ହେ ମାଧବ, ଆମେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲୁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଅନାଥାନ୍ ଦୀନ ହୃଦୟାନ୍, ଅତି ଦୀନ ହେଇକି କାତର ହେଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଦର୍ଶନ ଦିଅ କହି ଦେବତାମାନେ ସେଠି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଦେବତାମାନେ ବେଶୀ ଆତୁର ହେଲେ, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଦେବତାମାନେ ତମେ ଆତୁର ହୁଅନି, ଅଧୀର ହୁଅନି, ସ୍ୱୟଂ ମାଧବଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କର, ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବତେଇବେ। ଏଇଭଳି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ଯେବେ ହେଇଛି, ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ, ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିବେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ପୁନଃ ନୀଳମାଧବ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଆସିବେ। ଏବେ ତ ଖାଲି ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଆସିବେ, ସାରା ସଂସାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଉ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି କେବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଏବେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଅବନ୍ତୀରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କେତେ ମାସ ହୋଇଗଲା, ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଫେରିବାର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ମୁଁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇଭଳି ବିଚାର କରୁଥିଲେ କି ପ୍ରହରୀମାନେ ଆସିକି ମହାରାଜ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିବ୍ୟ ମାଳ, ଦିବ୍ୟ ମାଳ ପ୍ରସାଦ ଅଛି,
जो दिव्य माळर सुगंधि संपूर्ण राजप्रसाद रे व्याप्त होउछि आउ विद्यापतिंकर शरीर रु अद्भुत तेज प्रकट होउछि। विद्यापति आसिले आ विद्यापति को देखिकि राजा इंद्रदुम्न सिंहासन रु उठि पड़िले। सिंहासन रु उठिले विद्यापति को आलिंगन कले। तम दृष्ट्वा नृपति शोपी समुत्थाय बरासनात् प्रसीद जगदीशेति वदन्ति कमभ्यगात्। आलिंगन कले आ कौन कहिले प्रसीद जगदीश हे जगन्नाथ मो ऊपर प्रसन्न हुवंतु मो ऊपर प्रसन्न हुवंतु कहिकि विद्यापति को आलिंगन करंती। अद्य मे जीवनम जातः सफलम जन्म कर्म च निर्माल्य माला वपुषम यत पश्यामि हम माधवम। हे विद्यापति आज मोर जीवन धन्य हैला मोर जन्म सफल हैला एट महाप्रभु को तो दर्शन करी पार्ली महाप्रभुकर दिव्य निर्माल्य माला को दर्शन कली ए माला प्रसाद को दर्शन कली। कही कि विद्यापति से माला को नहीं कि महाराज इंद्रदुम्न गड़े पकई देले तेबेठ महाप्रभुकर आज्ञा माला परंपरा चलला। श्रीक्षेत्र आज्ञा माला हूँ प्रधान महाप्रभुकर रथ अनुकूल हम अक्षय तृतीया जीवे वनजाग जात्रा करी आज्ञामाळ नेकी जीवे रथ काठ आसीबो आज्ञामाळ जीव रथ कार्य निर्माण हबो आज्ञामाळ जीव महाप्रभु गुंडीचा बाड़ी रे थिबे हेरा पंचमी दिन महालक्ष्मी जाइथिबे गोटे आज्ञामाळ पठाई देवे महाप्रभु। आज्ञामाळ साक्षात जगन्नाथंक स्वरूप। मालां मुकुंद शिरसो नुपम प्रमोदः लाभाधरिकृत सुर द्रुमकांत गन्धाम अंधिकृतालिनी चयाम पवन प्रसारी गंध प्रशासित जगत कलुषाम नमामि। ये आज्ञामाळ को स्तुति करचंती राजा इंद्रदुम्न। मालाम मुकुंद शिरसो ये जो मुकुंद भगवान कर मस्तक रे माला शोभा पाउथला ए मालार महिमा को कौन वर्णना करी भी? ए माळ को प्राप्त करिकी आज निश्चित ही देवता माने भी मो प्रति ईर्षा करुथुबे कि जो भगवान कर माळा प्रसाद आमे पाई पारुनु ए राजा इंद्रदुम्न पाई गले। ए माळा प्रसाद जेबे पवन द्वारा तार सुगंधि चारियाड़े व्याप्त होउची तार सुगंध द्वारा दिग विदिग सुगंधित हो जाउची। अब ये सामान्य माळ नुह देवता माने स्वर्गरु आनिछन्ते ए माळा को। ए माळा केबे सुखीव नाही ए माळा केबे मौळीव नाही। इंद्रदुम्न राजा कहंती हे विद्यापति महालक्ष्मी को मनरे बड़ अभिमान थाए। कौन अभिमान थाए ना मो समान भाग्यवती किए नुह महाप्रभु को हृदय सदैव मोर निवास थाए। भगवान को हृदय गोटे सुनार रेखा थाए सुवर्ण रेखा बोली कह जाए से सुवर्ण रेखा महालक्ष्मी को निवास स्थली। तेणु महालक्ष्मी को मन रे अभिमान थाए कि मोते महाप्रभु को हृदय रे निवास मिली। किंतु हे विद्यापति पद्माम रूपत्मवशतिम सपत्निम साहसत्यसौ जो पद्मा मन रे महालक्ष्मी को मन रे अभिमान थिला से अभिमान को ये माला खंड खंड कर देला। महालक्ष्मी जो हृदय रे सदैव थांती ए माला से हृदय रे सदैव आलिंगन करिकी थाए। तेणु महालक्ष्मी को बेरे बेरे लागे ए माला मोर सपत्नी मोर सौतिणी जो हृदय रे मु थाए ए माला सदैव से हृदय रे लागिकी अच्छी। तेणु तो महालक्ष्मी को अभिमान को दूर करिया पई महाप्रभु को माला जेते बेले उलागी हव से बड़ माला जेबे उलागी हव से माला सीधा पठेबे लक्ष्मी को पाकु तो माँ महाप्रभु को अधर माला आगे आपण लागी हुंतु। से माला को हृदय रे धारण कले महालक्ष्मी को कोप टिके शांत हुए से ईर्षा टिके दूर हुए। लक्ष्मी महाराणी के जय। जय नीलाद्रि शिखर भूषण अघ प्रदूषण प्रणतार्ति हर श्रीमान त्राहिमाम शरणागतम। हे निराद्र शिखर भूषण
हे नीलाचल बासी, हे नीलाद्रीश, आपण को मु बार बार प्रणाम करुची। अघ प्रदूषण, प्रदूषण माने जे अघ को, अघ माने पाप, जे अघ को नष्ट कर दियंती। प्रणतार्ती हरह, हे आरती माने दुख, जे आपण को शरण को जाए तार समस्त दुख को आपण दूर करती। हे लक्ष्मीपति त्राहिमाम शरणागतम, ए शरणागत ऊपर कृपा कर। कहीकि से माला को धरिकी जाबुड़ी केवे चुंबन दियंती, केवे मुंडरे लगांती, आ सोइला बेलू को भी से माला को पाखरे रखिकी राजा इंद्रदुम्न सुवंती, और से मालारु नील माधव को सुगंधी आसे। महाप्रभु पिंधिथिबा कपड़ा खंडे, खंडुआ पाटो खंडे जदि मिलिव ताकु बाक्स भितरे भरिकी रख। गोटे वर्ष परे भी जदि से कपड़ा को बाहर करिव, से वस्त्ररु महाप्रभुंकर सुगंधी बाहर, से सुगंधी केवे जाए नी। तो से माला को पाई महाराज इंद्रदुम्न प्रसन्न हुंती, सते जेमिति स्वयं महाप्रभु को प्राप्त कर देले। अब पचारंती, हे विद्यापति, मु तो देखी पारलिनी नील माधव को, तुम्हें देखीच, तेणु कृपा कर से माधव केमती देखा जानती, मते तांकर रूप को वर्णना करी कह। विद्यापति कहती, हे इंद्रदुम्न, मु कौ मुहरे वर्णना करी, कारण जो आखि से नील माधव को देखी से आखि पाखरे कहियापाई जीभ नाही, आउ जो जीभ कहिव से जीभ पाखरे देखियापाई आखि नाही। तो जे देखी से कहिले सिना ठीक कहिव, बा जे कहिव से देखी थिले सिना ठीक कहिव। मु कौ मुहरे कहिबि कि कौ आखिरे देखी थी। हे राजा, नीलेन्द्रमणि पाषाणमयी मूर्ति पुरातनी, यान्वहं ब्रह्मरुद्रिन्द्रः पुरोगै अर्चिता सुरै। से अति प्राचीन विग्रह, नीलेन्द्रमणि, नीलमणि, नीलम को नीलम, नीलमणि प्रस्तर द्वारा निर्मित से अति प्राचीन विग्रह, जो विग्रह को ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि भी सेवा करती, और तंको दर्शन र की लाभ। मते देख, माम न पश्यसि किम राजन, मते टिके देखुन, मु गला बेल को केमती दिसुथिली, आउ आइला बेल को केमती देखा जाउची। ए जो अति अमानुष तेज मो भीतर देखुच, ये तेज से नील माधव को देखी की ही मु प्राप्त करीची, से महाप्रसाद को पाई की ही मु प्राप्त करीची। शक्रुतः पश्यन् नाद्यस्य क्षुत्पिपाशा बलक्षया, न बाधन्ते नृपश्रेष्ठ दृष्टे ना दृष्ट कल्मनम। जहां को थरे देखी देले, जहां कर महाप्रसाद को थरे पाई देले, ना भोक लागे, ना शोष लागे, ना कौनसी दुख रहे, ना कौनसी शोक रहे। श्रीमुख खु थरे चाही देले परा, दुख सब जाए धोई। श्रीमुख को थरे चाही देले परा, दुख सब जाए सरी। श्री अंग को तोर छुई देले परा, पाप सब जाए धोई। श्री अंग को तोर छुई देले परा, पाप सब जाए धोई। हे महाराज इंद्रदुम्न, दिव्योपचार भोजनी माल्यवेंचेद ददौ मम, अनर्घ्य मेतत अम्लान श्रीराज्य सुखदायकम। ए जो माला मु आपण को प्रदान कली, ए सामान्य माला नुहे, ए दिव्य माला। देवता माने ए माला आणिकी माधव को प्रदान करथिले, आ ये माला केबे मौळीवनी, केबे सुखीव नाही। आ ये माला जहाँ को प्राप्त ही जाए, ताकु श्री राज्य सुखदायकम, ता घरे आपे आपे महालक्ष्मी कर वास ही जाए, ताकु सब सुख मिली जाए। तेणु जदि घरे कौन से अभाव थिवो, ये विद्यापति सूत्र है,
जदि घरे कौनसी प्रकार दोष थिवो से वास्तु दोष थाउ जे कौनसी दोष थाउ घरे संपत्ति आसी को रहु नथिवो घरे सुख नथिवो रोग थिवो केबे बड़ देउले को गले महाप्रभु गोटे माळ नहीं आसीबे से नाकुआसी हो कि हृत्पदक हो कि मुंडर तुलसी टिके हो से माला प्रसाद जदि घरे रही गला समस्त प्रकार वास्तु दोष ग्रह दोष समस्त प्रकार दारिद्र दोष अलक्ष्मी दोष सब दूर कर देबे कारण महाप्रभु से माला रे लक्ष्मी वास थाए से माला जोठी वास करिवे लक्ष्मी अखंड वास हबो किंतु जदि से माला प्रति अनादर ही जाए अपराध ही जाए जेतिक सुख पाइबार आशा थिवो ताटू बेसी दुख भोग पड़ो बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। यही भाव नीलमाधव स्वरूप वर्णन करती हार कंकण केयूर मुकुट दैर अलंकृत ज्ञान अहंकार ऐश्वर्य शब्द ब्रह्मणि केशव नाना प्रकार हार अलंकार आज ग्रहण करचंती आउ देवता माने आसिकी तांकू नाना स्तव द्वारा सदैव स्तुति करंती घंट शंख काहली आदि सेठी सदैव बाजू थाए। एई भली भाव रे वर्णना करंती आउ जे दर्शन करिया पे एते आतुर थिले जे भोकिला लोक ताकू खाइबा को दबनी आउ खाइया को नदी कहो अमुक जागा को जाइथिली एभली मालपुआ बना हेतिला एभली खिचड़ी बना हेतिला एभली हलवा बना हेतिला एभली समोसा बना हेतिला एभली रस बाहरुथला से हलवारु से बिचरा सुनिले कौन हबो से जो राजा इंद्रदुम्न दर्शन करिया पे एते आतुर हेतिले आ नील माधवंकर वर्णना कर देला परे आउ इंद्रदुम्न रही पारले नाही मु श्रीक्षेत्र जीवि शीघ्र दर्शन करी व्यवस्था कर व्यवस्था कर। अखिया हरि दर्शन की प्यासी 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 देखन चाहत कमल नयन को 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 निस दिन रहत उदासी निस दिन रहत उदासी अखिया हरि दर्शन को प्यासी अखिया हरि दर्शन को प्यासी। इंद्रदुम्न आहुरी आतुर ही जानती दर्शन करिया पाई और जेबे दर्शन र अभिलाषा आतुरता बढ़े भगवान निश्चय ही कृपा करती। देवर्षि नारद आसिकी पहुँची गले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण तक्षणे मिलिले नारद आनंदे कले बीणा नाद तक्षणे मिलिले नारद आनंदे कले बीणा नाद एवं सश्रद्धया भक्त्या संस्तुते जावदीश्वरं नारदस्तत्र संप्राप्तो भुवनालोक कौतुकी। ए भुवनर सूर्य समान आज अत्यंत कौतुकी देवर्षि नारद आसिकी पहुँचिले आ नारद को देखिकी महाराज इंद्रदुम्न आउ प्रसन्न हो गले सांगे सांगे गले चरण धोइले अर्घ्य पाद्य देले बसैले बार बार मुंड लगांती पादरे बार बार प्रणाम करंती हे देवर्षि
आज मोर कहू जन्मर सौभाग्य उदय हैला आज आपणकर दर्शन मत ही गला। ओहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्रीकृष्ण दासानाम अग्रणी योग भास्कर। जेते वैष्णव अच्छा जेते भक्त अच्छा आपण समस्त अग्रगण्य शिरोमणि आहाँ आपणकर दर्शन हो जाए ताकु तो भगवान निश्चित ही दर्शन दियंती। आपण ध्रुव उपरे कृपा कले आ पंचवर्ष ध्रुव को छमास भितर भगवान कर दर्शन करदे। आपण प्रहलाद उपरे कृपा कले आ भगवान कर प्राप्ति करदे। आज मो उपरे कृपा करचंती हे देवर्षि ए दिन उपरे केमिति कृपा करिया को हेला। नारद कहंती इंद्रदुम्न नृप श्रेष्ठ विमलै तद्गुणोत्करै प्रीणिता देवता सिद्धा मुनयो ब्रह्मणा सह। हे राजा इंद्रदुम्न आपणकर भक्ति रे महाप्रभु प्रसन्न होती महाप्रभु प्रसन्न हो जाती ता उपरे सब मुनि देवता सिद्ध ब्रह्मा इंद्र सब प्रसन्न हो जाती। जे महाप्रभु को छाड़ी दिए ताकु सब ऋषि माने छाड़ी दियंती देवता माने छाड़ी दियंती। तेणु आपण को भक्ति रे प्रसन्न हो स्वयं ब्रह्मा मते पठाई ब्रह्मा को आज्ञा रु आसी। तेणु हे राजा एबे चिंता करनी जे पर्यंत महाप्रभु को दर्शन मु करई देनी से पर्यंत मु शांति रे बसिबि नाही। जदि जीवन रे एभली गुरुदेव कर प्राप्ति हो जीव जो गुरुदेव आशीर्वाद दे देबे चिंता करनी भगवान कर प्राप्ति न करैबा जाए मु शांति रे बसेबिनी ताले जान भगवान कर कृपा निश्चित ही प्राप्त हव। कारण भगवान प्राप्त हैला पूर्वरु आगे गुरु प्राप्त होंती आ गुरु प्राप्त हैला परे भगवान निश्चय प्राप्त होंती। गुरुंकु नमणि वनर गुरु जे साक्षा तो ईश्वर गुरुंकु नमणि वनर नारद प्रसन्न हुवंती। हे राजा इंद्रदुम्नः साधु राजन त्वया पृष्टः भक्ति लक्षण उत्तमं कथयिष्यो यदार्थं त्वां भक्ति भाजनमुत्तमं। एवं नारद राजा इंद्रदुम्नं को भक्तिर महिमा सुनांती। दुर्लभा भक्तिरेषां हि मुक्तये द्वैत संगीता। हे राजा भगवान को प्राप्त करिवार अनेक उपाय अच्छी। जने ज्ञान द्वारा भगवान को पाई पारिबो योग द्वारा पाई पारिबो यज्ञ आदि द्वारा पाई पारिबो किंतु से सब उपाय रे भगवान एते सहज रे प्राप्त होंती नी जेते सहज रे भगवान भक्ति द्वारा प्राप्त ही जानती। ज्ञान द्वारा भक्त को साधक को भगवान को प्राप्त करिया पे चेष्टा करिया को पड़े। ज्ञानी को भगवान कर पछे पछे दौड़िया को पड़े किंतु भक्त को भगवान को पछे पछे दौड़िया को पड़े नी भक्त पछे पछे भगवान दौड़ती केमती। धेनु पछे पछे बछा गमे खीर लोभे 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 भकत पछरे तुही खाओ से भावे खाओ से भावे एका तो भकत जीवन एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोरा
शंख चक्र चिन्ह शंख चक्र चिन्ह एकातो भक्त जीवन एकातो भक्त जीवन तेणु हे राजा इंद्रदुम्नः वासुदेवस्य भक्तस्य न भेदो विद्यते नयो वासुदेवस्य ये भक्ता तेषां वक्षामि लक्षण भगवान को भित्रे और भगवान को भक्त मान को भित्रे कौनसी भेद नहीं भगवान कर भक्त भगवत स्वरूप ही हे जाए तेणु हे राजा मु भक्त मानक लक्षण कहूँ शुण भक्तर लक्षण कौन बढ़िया जटा थिव तिलक थिव कंठी थिव ये भक्तर वैष्णवर स्वरूप गोटे स्वरूप थाए अगर स्वभाव थाए भगवान स्वरूप देखती नहीं भगवान स्वभाव देखती बढ़िया स्वरूप बनई दियो किंतु स्वभाव जदि उल्टा सीधा थाए तो भगवान ग्रहण करती नहीं दयाद्र मनसो नित्यम स्तेय हिंसा परान्मुखा गृहेषु परकीषु पक्षपात समन्वितः प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्य कामा जितेन्द्रिया कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह मनिच्छवः ये भक्तर लक्षण यदि भक्ति महारानी हृदय प्रकट ही जीवे ये सब लक्षण आपे आपे प्रकट ही जाए दया भक्त केवे निष्ठुर हुए नहीं याडे कहूचा आम भक्त ही गलु एवं भक्ति करवा आरंभ करुचु आ घरे गले कुकुड़ा मुंड मुड़की खाऊ ये लक्षण थिबा जाए जान भक्तिर गंध मात्र नहीं भक्तर प्रधान लक्षण थाए दया भक्त हृदय निष्ठुर था नृशंसता केवे बास करेनी सदैव अहिंसा गुणेशु परकीयेशु स्वप्न रे के भी अन्यर अहित चिंता करे नहीं आ कर्मणा मनसा वाचा परद्रोह अनिच्छया मन द्वारा कर्म द्वारा वाणी द्वारा भी से केवे अन्यर द्रोह करे नहीं वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पेड़ परा ए जाने रे पर दुखे उपकार जन तो तेरे कहिए रे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो नरसी मेहता गुजरात र भक्त हेले नरसी मेहता तांकर रचना ये वैष्णव कहा को कहा जाए वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे जे अन्यर दुख को जाने अन्यर पीड़ा को जाने स्वप्न रे भी केवे परद्रोह करेनी परनिंदा करेनी मन अभिमान ना आने रे मन रे केवे अहंकार को आसी दिए नाही तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु नाम अमानिनः मानदेनः कीर्तनीय सदा हरि जे सदैव तृण समान निज को न्यून भावे देखो ये गुरु रो कार्य आगे गुरु शिक्षा तो दियंत दीक्षा दियंती तापरे भगवान को दर्शन करिवा योग्य बनई दियंती नारद इंद्रदुम्न को माजुछंती सफा करुछंती कि अहंकार वर्जित है कि
अभिमान वर्जित ही कि हृदय भक्ति धारण करी कि जेबे महाप्रभु को दर्शन करिवे तेबे ही महाप्रभु को दर्शन करिवार पूर्ण लाभ यांकु मिलिवो। तेणु आगे भक्तिर लक्षण कौन, भक्तर लक्षण कौन, भगवान को केमती भक्ति करा जाए ए सब सिखेले। केते दिन रहिले अवंती रे, तापरे शुभ समय रे जात्रानुकूलं विज्ञाय पंचम्यां भृगुवासरे ज्येष्ठ कृष्णतरे पक्षे पुष्याक्षे लग्न उत्तमे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार दिन पुष्या नक्षत्र पड़ी थाए। आउ एही दिन देवर्षि नारदंक सहित राजा इंद्रदुम्न अवंतीरु श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा करती आउ एकुटी आसी नहंती, तांकर समस्त अवंतीवासी समस्त राज्यवासी को घोषणा करी कही देले, मोर जेते प्रजा अछ, जेते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थी सन्यासी व्यापारी वाणिज्य नर्तकी माने संगीतकार माने वस्त्र बुणुवा लोक माने चोर डकायत जे जे अछ पशुपालक माने समस्ते चाल श्रीक्षेत्र जीवा। आ श्रीक्षेत्र जाईकी बास करिवा। आ महाराज कर आह्वान रे जेते अवंतीवासी सबु घर छाड़ी देले, आ निज सबु प्रजा को धरिकी महाराज इंद्रदुम्न अवंती रु बाहरिले। रजाकर इष्टदेव होचंती भगवान नृसिंह आ भगवती दुर्गा। इष्टदेव मंदिर को गले, नृसिंह भगवान को प्रणाम कले, भगवती दुर्गा को प्रणाम कले, कहले हे मोर इष्ट देवता, हे मोर इष्ट देवी। ततो विवेश प्रासादम नृसिंह मबलोकितुम प्रणम्य साष्टाभयवम संतोष्योपनिषद्गिरः दक्ष पार्श्वस्थितां दुर्गां सर्व दुख दुर्गति मोचनीम। नृसिंह को प्रणाम कले और सर्व दुर्गति मोचनी भगवती दुर्गा को प्रणाम कले। दुर्गम संकट हंत्री दुर्गे इति प्रकृतितः, जे भयंकर संकट रू भी दूर कर दियंती तांकु दुर्गा बोली कह जाए। दुर्गा माधव को प्रणाम कले आ कहले प्रभु मु जाऊची अवंती छाड़ी श्रीक्षेत्र वास करी, तेणु आपण मोर इष्ट देवता, आपण भी मो सहित चालंतु। तेणु आगे गोटे रथरे दुर्गा माधव को बसईले, आगे आगे दुर्गा माधव आ पछे पछे गोटे रथरे इंद्रदुम्न राजा देवर्षि नारद सहित तांको पूरा परिवार को नेकी आ समस्त अवंतीवासी को नेकी अवंती छाड़िले आ श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले। आ मार्गरे कौन गाउथले थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा थका मन चाल जीवा चका नयन थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र बखाळिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिवा बाटरे बाट मंगला देखिवा अठर नड़ा बाटरे बाट मंगला देखिवा
आठ नाना पंचम महाराज इंद्रदुम्न अवंती रु बाहरिले प्रजा मानको नेकी आउ केमिति महाप्रभुंक दर्शन करिवे मार्गरे कोउ कोउ जागा देकी आसीबे ए सब कथा आमे काली श्रवण करिवा आरती परे महाप्रसाद पाइकी समस्ते जीवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलभद्र देवी सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवी सुभद्रा जय जगन्नाथ